झारखंड सरकार आपके घर डिजी साथ लेकर आई है, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। हेलो बच्चों, आशा है कि आपको हमारे वीडियो के माध्यम से सीखने में मजा आ रहा है। आज हम तीन अंकों की संख्याओं के बारे में जानेंगे। आओ सीखें। अरे देखो, ये सांप और सीढ़ी का खेल चल रहा है। यहां बड़बोले बतख चाचा, भोला गधा, शेर खान और गग्गो गेंडा खेल रहे हैं। बड़बोले बतख चाचा शुरुआत के बॉक्स में 24 कदम आगे 24 पर हैं। आइए देखते हैं कि खेल में कौन किस नंबर पर है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि सबसे बड़ी संख्या पर कौन है? हाँ गग्गू, सबसे बड़ी संख्या 54 पर है। कौन सा खिलाड़ी सबसे छोटे नंबर पर है? बड़बोला बतख सबसे छोटे नंबर 24 पर है। क्या आप मुझे भोला जिस संख्या पर है उसका संख्या नाम बता सकते हो? हाँ ये 47 है। क्या आप उस नंबर को लिख सकते हो जिस पर शेर खान पहुंचा है? बहुत खूब, आपने इसे सही लिखा है। ये क्या, बड़बोले चाचा जीत गए? वाह, 100 पर पहुंच गए। अब तक हमने दो अंकों की संख्याओं के बारे में सीखा है। इस पाठ में हम तीन अंकों की संख्याओं के बारे में सीखेंगे। तीन अंकों की संख्याओं की गिनती 100 से शुरू होती है। क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट के खेल में 100 रनों को एक शतक सेंचुरी भी कहा जाता है? आइए देखें कि चाचा ने ये खेल कैसे जीता और अन्य खिलाड़ी कहां हैं। ओह, चाचा को सीधे 100 तक की सीढ़ी मिली और गग्गू बेचारे को सांप ने सीधा 27 पर पटक दिया। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इन खिलाड़ियों को 100 तक पहुंचने के लिए कितने कदम आगे बढ़ना होगा? अरे वाह बच्चों, आपने सारे उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। इसी तरह हम किसी भी दो अंकों की संख्या और 100 के बीच के अंतर को पता कर सकते हैं। तो बच्चों, क्या आपको लगता है कि 100 से आगे भी गिनती होती है? क्या आप 100 से आगे की संख्या सोच सकते हैं? इन सवालों के जवाब हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस पाठ में हमने दो अंकों की संख्या और 100 के साथ उनके संबंध और तीन अंकों की संख्याओं के बारे में सीखा। हेलो बच्चों, तो अब आप तीन अंकों की संख्या जानते हैं। आइए जाने कि समूहों की सहायता से तीन अंकों की संख्या को जल्दी से कैसे गिना जा सकता है। देखो देखो, बब्बन मजे में केले खाते हुए पार्क में टहल रहा है। अरे ये चमकीली चीज क्या है? ये तो कोई जादुई चिराग लग रहा है। बब्बन ने चिराग उठाया और उसे जोर जोर से घिस रहा है।
मेरे आका, मैं तुम्हारी तीन ख्वाहिशें पूरी करूंगा। चिराग में से अचानक एक झिंग की आवाज सुनाई दे रही है। बब्बन घबरा गया। बोलिए मेरे आका, आपकी पहली ख्वाहिश क्या है? बब्बन को लग रहा है कि गांव का सबसे धनवान आदमी बनने का ये उसके लिए एक सुनहरा मौका है। उसने जिन से कहा, मुझे 300 सोने के सिक्के चाहिए। अगर तुम सारे 300 सिक्के 5 मिनट में गिन लोगे तो तुम उन्हें रख सकते हो, जिन ने बब्बन से कहा। बब्बन खुश हो गया। ये तो बहुत आसान है, मैं 5 मिनट में सारे सिक्के आराम से गिन लूंगा, बब्बन ने जिन से कहा। अचानक बब्बन के सामने 300 सोने के सिक्के आ गए। तुम्हारे 5 मिनट अब से शुरू हो रहे हैं। 1, 2, 3, 4। बब्बन ने तेजी से गिनती शुरू कर दी। तुम्हारा समय पूरा हुआ, जिन ने बब्बन से कहा। अरे अरे अरे, ये क्या? बब्बन तो मुश्किल से 70 सिक्के ही गिन पाया है। तुम सारे सिक्के गिन नहीं पाए, तुम्हें ये सिक्के नहीं मिलेंगे। ये कहकर जिन गायब हो गया। बब्बन निराश होकर बेंच पर बैठ गया। ये देखो, लगता है बब्बन का बेस्ट फ्रेंड गग्गू गेंडा भी यहीं आ रहा है। क्या हुआ बब्बन, तुम इतने परेशान क्यों हो? गग्गू गेंडा ने बब्बन से पूछा। बब्बन गग्गू को पूरा किस्सा बताता है। बस इतनी सी बात है, मैं तुम्हें एक तरकीब बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे आधे सिक्के देने होंगे, गग्गू ने बब्बन से कहा। ठीक है, बब्बन हिचकते हुए गग्गू से बोला। मैं तुम्हें जल्दी गिनने की एक आसान तरकीब सिखाता हूँ। मान लो कि तुम्हें ये 20 पत्थर गिनने हैं, तो तुम इन्हें समूह ग्रुप बनाकर जल्दी से गिन सकते हो। चलो इन्हें गिने। यदि हम 5-5 के समूह में इन्हें गिने तो हम इन्हें बहुत जल्दी गिन सकते हैं। इस तरह हम 5 का एक समूह बनाएंगे, फिर एक और 5 का समूह और हो गए 10, तीसरा समूह 15 और आखिरी 5 का समूह से 20 पत्थर पूरे हुए। वाह गग्गू, ये तो वाकई बहुत आसान है, लेकिन मुझे तो 3 अंकों की संख्याओं में भी गिनना होगा, तब भी क्या मैं इसी तरकीब का इस्तेमाल कर सकता हूँ? बब्बन ने गग्गू से पूछा। बिल्कुल, चाहे गिनती 2 अंकों की हो या 3 अंकों की या फिर उससे भी ज्यादा, तुम समूह बनाकर गिनने की तरकीब का इस्तेमाल कर सकते हो, गग्गू ने बब्बन को समझाया। फिर तो मैं कल जिन से जरूर सिक्के हासिल कर लूंगा, बब्बन ने उत्साहित होकर गग्गू से कहा। लेकिन मेरा आधा हिस्सा भूलना मत बब्बन, गग्गू बब्बन से बोला और दोनों हंसने लगे। तो बच्चों, इस पाठ में हमने समूहों की सहायता से जल्दी गिनना सीखा। अगले वीडियो में हम 10 के समूह में जल्दी गिनना सीखेंगे। घड़ी में समय देखना, भाग 1, रीडिंग अ क्लॉक, पार्ट 1। आज हम सीखेंगे घड़ी की घंटे की सुई को पढ़ना और घड़ी की मिनट की सुई को पढ़ना। नमस्ते सर। अरे नेहा और वंदना, अंदर आइए, बताइए क्या काम है? सर, इस बार हमारी स्कूल की पिकनिक मनोरंजन पार्क जा रही है ना?
हाँ तो सर, मेरे पापा ये जानना चाहते हैं कि उस दिन का हमारा टाइम टेबल क्या है। मतलब बस कितने बजे स्कूल से चलेगी, मनोरंजन पार्क कितने बजे पहुंचेगी, कितने बजे हम लंच करेंगे और कितने बजे वापस बस आएंगे? बस नेहा, मैं समझ गया। मैंने सभी स्टूडेंट्स के लिए टाइम टेबल की कॉपी प्रिंट करवाई है, आप दोनों एक एक ले लीजिए। ठीक है सर, अब हम चलते हैं। सर, आपने ये दो खराब घड़ी अपने टेबल पर क्यों रखी है? नहीं नहीं नेहा, ये घड़ियां खराब नहीं है, ये दोनों घड़ियां सही है। नहीं सर, देखिए इन सभी घड़ियों में सिर्फ एक एक सुई ही है। हाँ नेहा, सभी घड़ियों में एक ही सुई है, लेकिन दोनों घड़ियां सही हैं। देखो, इस घड़ी में सिर्फ घंटे की सुई है और इस घड़ी में सिर्फ मिनट की सुई है, और इन घड़ियों में ऊपर ये जो बटन लगा है, इससे इन सुइयों को घुमाकर टाइम सेट कर सकते हैं। तो क्या ये दोनों सही समय बता रही हैं? हाँ, ये घड़ियां सही समय बता रही हैं। बताइए, इन घड़ियों के अनुसार क्या समय हुआ है? मैं अपनी घड़ी से मिलाकर बता दूंगा कि यह सही है या नहीं। पर सर, हमको घड़ी को पढ़ना नहीं आता। क्यों, अभी तक आपकी क्लास में घड़ी को पढ़ना नहीं सिखाया गया? नहीं सर। कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूँ। घड़ी पढ़ना बहुत आसान होता है। ठीक है सर, सिखाइए, बहुत मजा आएगा। देखिए, सबसे पहले हम घंटे वाली सुई को पढ़ना सीखेंगे। वंदना, आप बताइए कि अभी घंटे वाली सुई किस नंबर पर है? सर, घंटे वाली सुई घंटे वाली घड़ी में है। हाँ सर, फिर तो घंटे वाली सुई अभी 9 पर है। इसका मतलब हुआ कि अभी 9 बजा है। सर, अगर 10 बजा होता तो? तो फिर घंटे वाली सुई 10 पर होती। मतलब ये घंटे वाली सुई जिस नंबर पर होती है उतना ही समय होता है? हाँ। फिर तो ये बहुत आसान है। हाँ, आसान ही होता है। अब आप इस बटन की मदद से घंटे की सुई को उस नंबर पर ले जाइए जहाँ पर ये तब होगी जब 2 बजे होंगे। ठीक है सर, कोशिश करती हूँ। अभी 10 पर सुई है, अब ये 11 पर है, मतलब 11 बजे हैं। अब 12 बजे हैं, अब 1 पर है, यानी 1 बजे हैं। अब ये आ गई 2 पर। सर, ये 2 पर होगी जब 2 बजे होंगे। शाबाश वंदना, देखो घड़ी पढ़ना या घड़ी देखना आसान होता है ना? जी सर, लेकिन इस मिनट वाली सुई को कैसे पढ़ेंगे? ये बहुत आसान है, मिनट वाली सुई को नेहा पढ़ेगी। ध्यान से सुनिए नेहा, घड़ी में 1 से लेकर 12 तक नंबर होते हैं। हर नंबर के बीच का अंतर होता है 5 मिनट। जब मिनट की सुई 1 पर होती है तब कहा जाता है कि 5 मिनट हो गए। ठीक ऐसे ही 2 पर सुई होने से पता चलता है कि 10 मिनट हो गए। मतलब जिस नंबर पर मिनट की सुई हो, उस नंबर में 5 का गुणा करने पर आप यह पता लगा सकते हैं कि कितने मिनट हुए हैं। समझ गए नेहा? जी सर, कोशिश करती हूँ। ठीक है, फिर बताइए, अभी मिनट की सुई किस नंबर पर है? सर, अभी ये 6 पर है। अब बताइए कि कितने मिनट हुए हैं? सर, 1 पर सुई होगी तो 5 मिनट, 2 पर सुई होने पर 10 मिनट, 3 पर सुई होने पर 15 मिनट होंगे। सही है नेहा, बस नंबर में 5 का गुणा करते जाइए, मिनट पता लगती रहेगी। 4 पर सुई आने पर 20 मिनट, 5 पर सुई होने पर 25 मिनट और 6 पर सुई होने पर 30 मिनट होंगे। सर, अभी इस घड़ी के अनुसार 30 मिनट हुए हैं। बिल्कुल सही नेहा, अब इस बटन की सहायता से इस सुई को उस नंबर पर ले जाइए जब 8 मिनट हुए होंगे। सर, एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में 5 मिनट होता है, अभी 6 पर सुई है तो 30 मिनट हुए हैं। इसका मतलब 7 पर मिनट की सुई होने पर 35 मिनट होंगे, 8 पर सुई होने पर 40 मिनट होंगे, 9 पर 45 मिनट, 10 पर सुई होने पर 50 मिनट, 11 पर 55 मिनट और 12 पर 60 मिनट होंगे।
सर 12 मिनट की सुई होने पर 60 मिनट होंगे। बिल्कुल सही नेहा। अब आप लोग घंटे की सुई और मिनट की सुई को अलग अलग पढ़ना सीख गए हो। अब मैं आप लोगों को एक एक शीट देता हूँ। अब मैंने आपको जो टाइम टेबल दिया है उसमें लिखे हुए टाइम को इस शीट में बनी हुई घड़ियों में ड्रॉ कीजिए। जब आप इसको भरकर मेरे पास लाएंगे तब हम दोनों सुइयों को एक साथ लिखना सीखेंगे। ठीक है सर, अब हम चलते हैं। आज आपने जाना कि घंटे की सुई जिस नंबर पर होती है उस समय उतने ही घंटे होते हैं, और मिनट की सुई जिस नंबर पर होती है उसमें 5 से गुणा करने पर जो नंबर आता है उस समय उतने ही मिनट हुए होते हैं। घटनाओं का क्रम भाग 1 सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पार्ट 1। आज हम सीखेंगे समय से संबंधित गणना कैलकुलेशन करना। नेहा तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं पिकनिक का टाइम टेबल देख रही हूँ और ये पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें मनोरंजन पार्क में यदि 10 बजे पहुँचना हो तो होटल से कितने बजे निकलना चाहिए, और ये पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें मनोरंजन पार्क में झूलों का मजा लेने के लिए कितना समय मिलेगा। तो पता चला कि कितना समय मिलेगा? नहीं, चलो ना साथ में पता करते हैं। ठीक है, टाइम टेबल दिखाओ। देखो हमारी बस सुबह 7:15 पर यहाँ से चलेगी और 7:35 पर होटल में पहुँचेगी जहाँ हम सभी लोग नाश्ता करेंगे। तो हमको सबसे पहले यह देखना है कि हमारी बस स्कूल से होटल तक पहुँचने में कितना समय लेगी। ये पता लगाना तो आसान होगा। देखो मिनट की सुई 7:15 पर 3 पर है और 7:35 पर 7 पर होगी। हमको अब सिर्फ इनके बीच की मिनट पता लगानी है। एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में 5 मिनट का अंतर होता है। इसका मतलब हुआ कि एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाते समय हम 5 गिनते जाते हैं। 3 पर जब मिनट की सुई है तो उस समय को 0 मानेंगे। 4 तक पहुँचने में 5 मिनट हुए, 5 तक पहुँचने में 10 मिनट, ऐसे ही 6 तक पहुँचने में 15 मिनट हो गए और 7 पर पहुँचने पर 20 मिनट हुए। मतलब बस स्कूल से होटल तक पहुँचने में 20 मिनट ले रही है। ये तो सच में आसान था। अब हमको ये तो पता है कि हमको 10 बजे मनोरंजन पार्क पहुँचना है। अब अगर ये भी पता लग जाए कि होटल से मनोरंजन पार्क जाने में कितना समय लगता है तो हम ये बता पाएंगे कि हमको होटल से कितने बजे निकलना चाहिए। सर ने बताया है कि होटल से मनोरंजन पार्क पहुँचने में 55 मिनट का समय लगता है। फिर एक काम करते हैं, घड़ी में 10 ड्रॉ कर लेते हैं और अब मिनट की सुई को 55 मिनट पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं। याद है ना, एक नंबर से दूसरे नंबर में 5 का अंतर होता है। हाँ याद है, अब ध्यान से देखो। ये मैंने घड़ी में 10 ड्रॉ कर लिया। अब मिनट की सुई को तब तक पीछे करते हैं जब तक 55 ना गिन ले। ठीक है, 12 से 11 पर लाए तो हुए 5 मिनट, 11 से 10 पर लाने पर हुए 10 मिनट, 9 पर 15 मिनट, 8 पर 20, 7 पर 25, 6 पर 30, 5 पर 35, 4 पर 40, 3 पर 45, 2 पर 50 और 1 पर 55 मिनट होंगे। इसका मतलब मिनट की सुई 10 बजे से 55 मिनट पहले 1 पर होगी। इसका मतलब 10:05 पर हमें होटल से निकलना होगा। नहीं वंदना, ये गलत है। कैसे गलत है? 10:05 10 बजे के बाद होगी, जबकि हमें 10 बजे से 55 मिनट पहले निकलना है। अरे हाँ, पर गलती कहाँ पर हुई? देखो तुमने मिनट की सुई को तो पीछे कर दिया लेकिन घंटे की सुई को पीछे करना भूल गई। अरे हाँ, 10 बजे से पहले तो 9 बजेगा। इसका मतलब हमें 9:05 पर होटल से निकलना होगा जिससे हम 10 बजे मनोरंजन पार्क पहुँच जाएं। हाँ अब सही लग रहा है, चलो चलकर सर को बता देते हैं।
अरे नेहा, मैंने आपसे कुछ पता लगाने के लिए कहा था, आपने पता लगा पाया? जी सर, अगर हमें 10 बजे मनोरंजन पार्क पहुंचना है तो हमें 9:05 पर होटल से निकलना पड़ेगा। वेरी गुड, मैंने मनोरंजन पार्क के ऑफिस में फोन किया था, उन्होंने बताया कि ग्रुप का टिकट लेने में 20 मिनट का समय लग जाता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि 10 बजे वहां पहुंचकर टिकट लेने के बाद हम कितने बजे मनोरंजन पार्क में एंट्री कर पाएंगे? जी सर, इसके लिए हम घड़ी में 10 ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद मिनट की सुई को 20 मिनट आगे कर देते हैं। 12 से 1 पर जब मिनट की सुई को ले जाएंगे तो 5 मिनट होंगे, 1 से 2 पर ले जाने पर 10 मिनट होंगे, 3 से 15 मिनट होंगे और 4 पर जब मिनट की सुई पहुंचेगी तब 20 मिनट होंगे। इसका मतलब हुआ कि 10 बजे वहां पहुंचने के बाद यदि हम 20 मिनट टिकट लेने में लगाएंगे तो 10:20 पर पार्क में एंट्री कर लेंगे। आप लोगों ने एकदम सही बताया नेहा और वंदना, अब आप लोग पूरी तरह टाइम देखना सीख चुके हो। चलो मैं चलता हूँ, आप भी अपनी क्लास में जाइए। समय से जुड़ी हुई 3 चीजों की आज हमने गणना की। 3? कौन कौन सी? देखो, पहले हमें शुरू और अंत का समय दिया गया था, हमने ये पता लगाया कि किसी काम को करने में कितना समय लगेगा। उसके बाद हमको ये पता था कि अंत का समय क्या है और काम करने में कितना समय लगता है। उसके जरिए हमने शुरू का समय पता लगाया और सबसे आखिर में हमें शुरू का समय और काम पूरा होने में लगने वाले समय का पता था, उससे हमने काम के अंत के समय का पता लगा लिया। अरे हाँ, मैंने तो इतना ध्यान ही नहीं दिया। हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम ग्रिड पेपर के उपयोग से क्षेत्रफल एरिया का अनुमान लगाना सीखेंगे। गोलू, बन्नी और भोला ने मार्केट से अलग अलग तरह के बिस्किट के पैक खरीदे। बन्नी, भोला देखो, मेरा बिस्किट तुम्हारे बिस्किट से ज्यादा बड़ा है। गोलू ने बन्नी और भोला से कहा। नहीं, मेरा बिस्किट तुम दोनों के बिस्किट से ज्यादा बड़ा है, बन्नी ने गोलू से कहा। दोस्तों, किसका बिस्किट सबसे बड़ा है इसका पता हम ग्रिड पेपर के उपयोग से तुरंत लगा सकते हैं, भोला ने कहा। बन्नी और गोलू कुछ समझ नहीं पाए। तब भोला ने एक कागज पर इस तरह के बराबर नाप के वर्ग बना लिए। इस तरह के समान वर्गों से बने कागज को हम ग्रिड पेपर कहते हैं, भोला ने कहा। लेकिन भोला, हम इसका इस्तेमाल सबसे बड़े बिस्किट का पता लगाने के लिए कैसे कर सकते हैं? गोलू ने भोला से पूछा। भोला ने उन तीनों बिस्किटों के आकारों को एक पेंसिल से उस ग्रिड पेपर पर बना लिए। बन्नी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे बिस्किट से बने आकार में कितने वर्ग हैं? भोला ने बन्नी से पूछा। बन्नी ने झट से वर्गों की संख्या गिनकर कहा, 16 वर्ग। और गोलू, तुम बताओ तुम्हारे बिस्किट के आकार में कितने वर्ग हैं? भोला ने गोलू से पूछा। 15 वर्ग, गोलू ने कहा। और क्या तुम दोनों बता सकते हो कि मेरे बिस्किट के आकार में कितने वर्ग हैं? भोला ने बन्नी और गोलू से पूछा। 24 वर्ग, 24 वर्ग, बन्नी और गोलू ने चौंक कर कहा। बिल्कुल ठीक। और क्या तुम दोनों जानते हो कि किसी भी आकार के घेरे से बने क्षेत्र को हम उस आकार का क्षेत्रफल एरिया कहते हैं? इसलिए हम कह सकते हैं कि मेरे बिस्किट का क्षेत्रफल एरिया तुम दोनों के बिस्किटों के क्षेत्रफल एरिया से ज्यादा है, या मेरा बिस्किट तुम दोनों के बिस्किट से ज्यादा बड़ा है, भोलू ने गोलू और बन्नी को समझाया। ये तो बहुत मजेदार बात सिखाई तुमने भोला, चलो हम तीनों अपने बिस्किटों को बांट कर खाएं, बन्नी ने भोला से कहा। तीनों दोस्तों ने अपने बिस्किटों को मिल बांटकर खूब आनंद से खा लिया। बच्चों, इस वीडियो में हमने ग्रिड पेपर के उपयोग से क्षेत्रफल
एरिया का अनुमान लगाना सीखा। अगले वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे। हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम वस्तुओं के क्षेत्रफल एरिया का अनुमान लगाना सीखेंगे। चंपापुर में आज बहुत हलचल है। आज सुबह गुफा में एक दरवाजा मिला है, लेकिन ये दरवाजा केवल किसी एक गांव वाले के हाथ लगाने से ही खुल सकता है। चंपापुर के राजा ने बड़बोले चाचा को उस गांव वाले को ढूंढने की जिम्मेदारी सौंपी है जिसके हाथ का निशान दरवाजे पर बने हाथ के निशान से मेल खाता हो। चाचा ने तुरंत एक कागज पर इस तरह से दरवाजे पर बने हाथ के निशान को छाप लिया। ये कागज एक स्क्वायर सेंटीमीटर के समान वर्गों से बना है। चाचा ने फिर उस हाथ के छापे का क्षेत्रफल ढूंढने के लिए उसके घेरे से ढके वर्गों की संख्या को गिन लिया। चाचा को ये प्रक्रिया करने में काफी समय लग गया। और अंत में उन्हें पता चला कि वो हाथ का छापा 130 वर्गों को ढक रहा है। हर वर्ग का किनारा साइड 1 सेंटीमीटर का है, इसलिए इस हाथ के छापे का क्षेत्रफल एरिया 130 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अब चाचा ने और कागजों पर भी 1 सेंटीमीटर के किनारे वाले समान वर्ग बनाकर ग्रिड पेपर बना लिए। चाचा ने पहले बन्नी के हाथ का छाप एक ग्रिड पेपर पर इस तरह से ले लिया। इसका क्षेत्रफल ढूंढने की कोई और आसान प्रक्रिया ढूंढनी होगी, चाचा ने सोचा। चलो मैं पहले इस आकार में जितने आयत, रेक्टेंगल और वर्ग, स्क्वायर बना सकता हूँ वो बना लेता हूँ। ये कहकर चाचा ने बन्नी के हाथ के छापे में इस तरह से 3 आयत बना लिए। अब मैं पहले इस आयत के क्षेत्रफल को ढूंढ लेता हूँ। इस आयत में 7 आड़ी रेखाएं हैं और हर रेखा में 5 वर्ग हैं। इसका मतलब इस आयत में 7 × 5 या 35 वर्ग हैं। इस आयत में 2 आड़ी रेखाएं हैं और हर रेखा में 3 वर्ग हैं। इसका मतलब इस आयत में 2 × 3 या 6 वर्ग हैं। और इस तीसरे आयत में 4 आड़ी रेखाएं हैं और हर रेखा में 2 वर्ग हैं। इसका मतलब इस आयत में 4 × 2 या 8 वर्ग हैं। अब अंत में मैं बचे हुए पूरे आधे और आधे से ज्यादा वर्गों को गिन लूंगा, चाचा ने सोचा। चाचा ने इस तरह से इन संख्याओं का भी पता लगा लिया। अब कुछ आधे से कम वर्ग हैं जिन्हें हम नहीं गिनेंगे। चाचा ने कुल वर्गों की संख्या का पता लगाने के लिए इन सभी संख्याओं को जोड़ लिया। इस तरह बन्नी के हाथ के छापे में कुल 63 वर्ग हैं। दूसरे शब्दों में बन्नी के हाथ के छापे का क्षेत्रफल 63 स्क्वायर सेंटीमीटर है। लेकिन ये दरवाजे पर बने हाथ के छापे के बराबर नहीं है, इसलिए चाचा ने अपनी खोज जारी रखते हुए अब अप्पू के हाथ का छापा ले लिया। बच्चों, यहाँ अप्पू के हाथ का छापा दिखाया गया है। क्या आप चाचा के द्वारा इस्तेमाल की हुई प्रक्रिया से अप्पू के हाथ का क्षेत्रफल ढूंढ सकते हैं? आप चाहे तो वीडियो को रोककर इसका पता लगा सकते हैं। आप इस तरह से भी आयतें बनाकर अप्पू के हाथ के छापे का क्षेत्रफल ढूंढ सकते हैं।
अप्पू के हाथ के छापे का क्षेत्रफल 130 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अप्पू के हाथ का छापा गुफा के दरवाजे पर बने छापे से बिल्कुल मेल खा गया। राजा ने अप्पू से वो दरवाजा खुलवा लिया और उसे बदले में खजाने का आधा हिस्सा दे दिया। बच्चों, इस वीडियो में हमने वस्तुओं के क्षेत्रफल एरिया का अनुमान लगाना सीखा। अगले वीडियो में